औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शायद ये वीडियो मैं जो बना रहा हूँ वो आए या ना आए, मुझे चेक करना है, क्योंकि ये मेरा पुराना दूसरा कैमरा ख़राब हो गया, तो मैं चेक करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अल्लाह करे कि ये आ गया तो फिर मैं आपको बहुत ही कीमती असासा, जैसे खजाना होता है, जन्नत को पाने के लिए आपको मैं ये ऐसा दे रहा हूँ एग्जाम्पल। अगर जन्नत मैग्नेट है तो लोहा जो मक्नाटिस को खींच लेता है, आयरन को, मैग्नेट आयरन को खींच लेता है, उसी तरह आपके दिल के अंदर उतर जाने वाला मैं रास्ता जन्नत का डायरेक्ट, आप जो है इस दुनिया से एग्जिट हो जाएंगे आप और जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएंगे। ऐसा नमूना मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए दे रहा हूँ। अल्लाह करे कि ये मेरा वीडियो आप पूरा गौर करके देखें, क्योंकि बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी की अहमियत को नहीं समझ रहे, जबकि इंडिया कह रहा है कि हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है वेदाज में, और क्रिश्चियन भी बोल रहा अमेरिका के एतबार से टेक्नोलॉजी है उसके पास। लेकिन गौर करो, इनकी किताबों में नहीं है। अमेरिका नंबर वन है टेक्नोलॉजी में, जैसे बुद्धिस्ट कंट्रीज है, जापान है या कोरिया है, टेक्नोलॉजी में है, लेकिन इनके बुक्स में नहीं है। हिंदू है, वेदास है, गीता है, उनके बुक्स में टेक्नोलॉजी नहीं है। और सिर्फ अल्लाह की कुरान के अंदर टेक्नोलॉजी है, और अल्लाह इसी वास्ते पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी के ज़रिए अपने एहसास को, अपने रूप को, अपने प्रोफाइल को, अपने ग्लैंस को, अपने कंप्लीटली स्ट्रक्चर को, अपने पूरे स्केलेटन को, अपने पूरे जो है वजूद को, एक इमेजिनेशन से बाहर वाला खुदा जो आपको नज़र नहीं आता, जो मुकम्मल है, उसका तुम गुमान में भी तस्वुर नहीं कर सकते, इस तरह से है वो। उसकी आपको थोड़ी भी भनक भी नहीं मिलेगी कि वो कैसा है, उसको कैसे पहचानना है वो भी नहीं मिलेगा आपको, लेकिन टेक्नोलॉजी से साबित कर देगा कि अल्लाह हक है। इस वास्ते कुरान के अंदर सूरह अल हदीद है, आयरन, ये हाथ पे आपके बारकोड दे दिया, ये हाथ की लकीरें हैं, ये हाथ की लकीरें हैं आपकी, पैरों के नीचे हाथ की लकीरें हैं, यहाँ मुनकिर नकीर है आपके पास दाएं और बाएं, और यहाँ पर जो है एक तख्ती है लोहे महफूज के जैसा, जिसमें आपकी पूरी ज़िंदगी के सवाल, पूरी तमाम ज़िंदगी जो आपने दुनिया में गुजारी वो सारी की सारी यहाँ पर वो रिकॉर्ड कर दी गई, लिखा दी गई फरिश्तों के ज़रिए। फरिश्ते इंसान की बॉडी में है, इसका किसी को एहसास नहीं, न वो जाहिर हुए, लेकिन अल्लाह की कुदरत है जो आपको अंदर, जिस तरह से वॉच के अंदर औजार होते हैं या टीवी के अंदर औजार होते हैं, इसी तरह आपके अंदर, जैसे रेडियो के अंदर आपको औजार होते हैं, उसी तरह ये बॉडी के अंदर फरिश्ते रखकर आपको लिखवा कर पूरी आपकी ज़िंदगी, आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आप नेक काम कर रहे हैं या गुनाह कर रहे हैं, ये सारे रिकॉर्ड यहाँ पर लोहे महफूज की तख्ती की तरह, यहाँ पर भी एक दिल के अंदर चिप की तरह, कंप्यूटर की चिप की तरह, यूएसबी की तरह रिकॉर्ड करा के आपको जो है कयामत के दिन उठा लेगा। इसका भी कोई आपको एक्सप्लेन करने वाला, मैं चैलेंज दे रहा हूँ, कोई स्कॉलर नहीं होगा। मेरा दावा है कि कोई स्कॉलर आपको जो है ये एग्जाम्पल से नहीं समझा सकेगा कि अल्लाह इंसान का इंडिविजुअल, एक इंफरादी, वो एक होने की वजह से उसके आमाल को वो तोलेगा कैसे जजमेंट डे के दिन बैलेंस के ऊपर। यही वो हकीकत है जिससे आपको टेक्नोलॉजी समझना है। टेक्नोलॉजी के एतबार से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप देखो, 9 साल पहले का एक वीडियो मैं देखा, मदीने और मक्का की नमाजें। आपको मालूम है कि नमाज हो जाती है
लेकिन रिकॉर्ड नहीं होती 1400 साल में, लेकिन अब रिकॉर्ड हो रही 1400 साल के बाद। यानी अगर आप 1442 है तो 9 साल पहले की अगर से देखेंगे तो 1433 की नमाज जो हमारा इस्लामी कैलेंडर है उस हिसाब से 9 साल पहले की नमाज मक्का और मदीने की मैंने लाइव देखा टीवी पर, हरमैन शरीफ की भी डाले मदीने की भी डाले, और वो नमाज मैं भी नकल करके पढ़ लिया। ये पहले ऐसा रिकॉर्ड क्यों नहीं होती थी? इस वास्ते अल्लाह कुरान में कराए कि हम तुम्हारे आमाल का अजर लोहे महफूज में लिखे हैं और वो जजमेंट डे के दिन आपको दे दिया जाएगा, पूरे आमाल का रिकॉर्ड आपको दे दिया जाएगा। पहले नमाज पूछी जाएगी, नमाज की पूछोगी तो नमाज जो थी 9 साल पहले की वो एक इंसान रिकॉर्ड करके दिया, क्योंकि इंसान दुनिया में हर कुछ करके दिखा सकता है, उसके पास इस वास्ते ये कुदरत है कि अल्लाह ने आदम के बॉडी के अंदर रूह फूकी थी। इस वास्ते इंसान टेक्नोलॉजी के एतबार से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मैथमेटिक्स से और दुनिया के हर वो काम जो खुद करके किसी की मदद लिए साबित कर रहा कि वो खुदा नहीं है बल्कि इंसान है, जो आपको अल्लाह के रूह फूकने की वजह से बॉडी के अंदर वो उसके आज़ा अल्लाह के दिए हुए नियामतों का फ़ायदा उठा के नई नई चीज़ें दरियाफ्त करके सामने ला रहा, इन्वेंट करके ला रहा, डिस्कवर करके ला रहा, आप देख रहे दुनिया के अंदर। तो ये नमाज ही असल है जो अल्लाह ने आपको 9 साल पहले रिकॉर्ड कर दी गई, यहाँ फरिश्ते लिख लिए बोला मैं, फिर यहाँ चिप की तरह उसमें आपका तारीख के साथ वो मगरिब की नमाज लिख दी गई बोला। ये फिर नजर नहीं आने वाली चीज थी, जैसे 1400 साल पहले नमाज जो पढ़े लोग उनकी नमाज नजर नहीं आई, लेकिन ये नमाज आपको नजर आई इस वास्ते कि इंसान कैमरे से इसको कैप्चर कर लिया। अब मैं मगरिब की नमाज इससे पहले 2 दिन पहले पढ़ा, वो एक वीडियो बनाया, वो वीडियो नहीं आया, 99 पे जाके रुक गया, पता नहीं यूट्यूब वाला मेरा वो एबॉन्डनेट बोल के बोल दिया, नहीं हो सका बोला वो कंप्लीट, तो फिर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो वो मगरिब की नमाज मैं मदीने और मक्का की जो है लाइव डाल के पढ़ना चाह रहा था, मगरिब की नमाज मैंने मदीने की डाली, तो पहली रकात के अंदर इन्ना अनजलना पढ़ा है उन्होंने, दूसरे के अंदर वल आदियाति सुबह वल आदियाति दबा पढ़ाए। अब ये 2 रकातें मैं वजू करे तक चले गई, तो मैं क्या करा, फिर से पूरा वीडियो नमाज हो जाने के बाद फिर से ऑन करके वो वीडियो मगरिब का मैं डाला, फिर से ऑन करके वो वीडियो डाला, हालांकि वो नमाज रिकॉर्ड हो गई कैमरे से और वो लाइव हो गई, आपको न्यूयॉर्क के अंदर मैं देखा मदीने की नमाज, और वो नमाज तिलावत के साथ थी, खिरात के साथ थी, इमाम खिरात के साथ मगरिब की नमाज ज़ाहिर है, फजर की नमाज, ईशा की नमाज और मगरिब की नमाज तिलावत से होती है, खिरात के साथ होती है, जोहर और असर अंदर दिल में खामोशी से पढ़ना होता है, उसकी तिलावत नहीं होती। तो ये नमाज मैंने अपने नमाज में शामिल कर लिया, 11 बज रहे थे दिन के, मगरिब की नमाज हो गई थी वहाँ पर, मेरे को और उसको 8 या 12 घंटों का फ़र्क था, लेकिन मैंने वो नमाज पढ़ ली और वो नमाज एक बार रिकॉर्ड हुई, उसको ऑन एंड ऑफ करके मैं देखा, तो जो रिकॉर्ड अल्लाह ने कर लिया था वो विटनेस तुम्हारे को कैमरे ने टीवी ने दिया, यही रिकॉर्ड मदीने की नमाज का आप पूरा मंजर देख सकते हैं। मदीने के अंदर नमाज भी इमाम साहब जो है मुक्तदियों के साथ नमाज पढ़ाए, पूरी मुकम्मल आपने वीडियो से कैमरे से कंप्लीट किया, और फिर वो जो है रिले हुआ, और वो रिले हुआ तो मैं जो है न्यूयॉर्क के अंदर देखा, यही वो लौ महसूस महफूज है।
अगर आपको समझना है अल्लाह को तो इस पर बार बार गौर करो, ये टेक्नोलॉजी अब क्यों आई। ये हिंदू अगर से बोलता कि मेरे पास थी टेक्नोलॉजी, मेरे खुदाएं दिए थे, तो सामने आते, आई नहीं, और बोलते मैं तुम्हारा खुदा हूँ। क्रिश्चियन के पास भी टेक्नोलॉजी है, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर इतनी मशहूर बात है, सुपर पावर है, टेक्नोलॉजी का मास्टर माइंड है, लेकिन इसकी किताबें नहीं है। क्यों नहीं है ये समझना है। अगर से कोरिया, जापान जो है बुद्धिज्म का गढ़ा है, गढ़ है, तो फिर उन लोग भी समझना चाहिए इनके पास क्यों नहीं है। अगर से चाइना और रशिया और कोरिया कम्युनिस्ट है तो उनको क्यों नहीं मालूम कि टेक्नोलॉजी सिर्फ कुरान के अंदर है। यही इंसान को मात दे दिया अल्लाह ताला कि मैं हूँ, इस वास्ते टेक्नोलॉजी अब तुम यूज़ कर रहे। और अल्लाह ने बताया पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम होगा, अब वही वक्त चल रहा। सबसे ज़्यादा दुनिया में तेज़ी से फैलने वाला मज़हब इस्लाम है, आप ये भी इंफॉर्मेशन यूट्यूब से ही ले सकते हैं। तो अल्लाह ताला तुमको साबित कर दिया कि लौहे महफूज की जो रिकॉर्ड वाली नमाज है, जो इमाम साहब पढ़े, जो मुख्तदी नमाज साथ में पढ़े, वो गवाह के तौर पे जो है वीडियो कैमरा प्रूफ कर रहा आपको। सिर्फ यही सोचना है और यही बात पे आपको अल्लाह मिलने का एक बेहतरीन मौका है। जो मैं बोला मैग्नेट को आयरन कैच कर लेता है, जैसे स्विच डालते ही लाइट आ जाती है इलेक्ट्रिक की, उसी तरह जो है आप अगर से वीडियो खोल के देखेंगे तो आपको नमाज मिलेगी, आई विटनेस मिलेगा कि अल्लाह लौहे महफूज की जो बात कर रहा वो सिर्फ पहले किताब में थी कुरान के अंदर, अब जो है वो आपको टेक्नोलॉजी से प्रूफ कर दिया। अल्लाह अकबर।